जनपद की नगर पंचायत के अधिकारियों पर विभिन्न कार्यों के नाम पर घोटाले का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अपर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा। वहीं कस्बे के लोगों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जिजाना थाना क्षेत्र के कस्बा ऊन निवासी दर्जनों लोग शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया, जहां सभासद दीपक कुमार ने बताया कि ऊन कस्बे में विकास कार्य ठप पड़ा है, सरकार द्वारा जारी धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऊन नगर पंचायत में बोर्ड की अनदेखी कर बगैर प्रस्ताव पारित किए कार्यों के नाम पर धनराशि खातों से निकालकर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत द्वारा आय और व्यय का ब्यौरा जारी कराया जाए। इसके अलावा अधिक कर्मचारियों के नाम पर राशि निकाली जा रही है, जबकि कर्मचारी कम तैनात हैं। सफाई के नाम भी अधिक धनराशि निकाली गई। मामलों की जांच कराने की मांग की गई है। मनमानी चल रही थी। अधिशासी अधिकारी जो रामेंद्र सिंह है और अध्यक्ष है हमारे कस्बे के प्रतिनिधि है जो जनता के प्रदीप चौधरी और भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आएगी। डेढ़ साल से हमारी नगर पंचायत ऊन चल रही है। हम भी वार्ड सभासद है और जैसा हम काम के लिए बोलते हैं, जो पूरी नगर पंचायत ठप पड़ी है डेढ़ साल से, क्या कारण है, आप काम क्यों नहीं करा रहे? यानी कि छोटे छोटे काम, जैसे लाइट का ही मामला है, लाइट की ऐसी स्थिति है, मैं अपने वार्ड में दो तीन गली ऐसी है, मैं उनमें जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। क्यों? जो वहाँ के लोग हैं वो ऐसे लगते पहाड़ने को आए, कल अगर तू मेंबर बना दिया हमने, तुझे वोट दे रखी तरफ एक लाइट लगी यहाँ सी, और लाइट कहाँ से लगा हुआ है? हमें तो चेयरमैन साहब हो गए, बक्सी के बोल लगे, अब लाइट की व्यवस्था करो, दीपावली आने लग रही। आधा कस्बा अब भी अंधेरा से जूझ रहा, चाहे आप जाएगा वहाँ पर सर्वे कर लो। और वह आप काम क्यों नहीं करा रहे? वे बोलते हैं कि खत्म है, पैसे नहीं है। भाई मेंटेनेंस क्यों नहीं करा रहे? खत्म है, पैसे नहीं है। और जो छोटे मोटे भी काम है, बड़े की तो बात आप छोड़ दो, छोटे मोटे काम भी है, खत्म है, पैसे नहीं है। मगर भैया जब खत्म है पैसे नहीं है तो हमें ये दिखाओ खत्म में पैसे है नहीं है। इतना तो हमारा अधिकार है कि हमारा आय का वह क्या जो हम पूरा देख सके, कि वार्ड प्रतिनिधि देखने आते पर क्या रहा, क्या आप इसमें निकाल रहे, किस काम में निकाल रहे आप? कोई नहीं, छः महीने से एक या सौ संदे रहे, मेंबर साहब चार दिन रुक जाओ, मेंबर साहब छः दिन रुक जाओ, मेंबर साहब आठ दिन रुक जाओ, पूरा डेढ़ साल हो गया ऐसे झूठे आश्वासन दे रहे। हम चेयरमैन साहब से बात कर लें तो आप सभी की तसल्ली हो जाएगी, क्या खाते हमारा, क्या हमने खा रहे, किस मद्दा नहीं खा रहे, कोई मतलब गोड़ हो रहा बिल्कुल। और हम 1200 असद हैं, पीड़ित सब है, 12 के 12 मेंबर पीड़ित है। बल्कि कोई इतना भ्रष्टाचार, ये मान लो आप बिना प्रस्ताव के भी पैसे निकाल रहे, जैसा खड़ा ही है, कोई प्रस्ताव नहीं है, भाई इतना तो हम भी जाना है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई टेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे पैसे निकाल लिए, किस अधिकार से पैसे निकाल लिया भाई? कोई नहीं, सब पूछने वालों किस अधिकार से पैसे निकाल लिया? बाप का माल है ये, जनता का पैसा, जनता में लगेगा। अच्छा, जो आप पैसे वाली बात करें, शिकायत वगैरह करी गई है? हाँ, एक ज्ञापन है हमारे पास में, भाई टाइपिंग कराने जा रहा है, उसमें जो मेन बिंदु है उसमें सारे नोट करा रखे, डीएम साहब को यहाँ पे ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अच्छा, उसमें जो मेन भ्रष्टाचार के जो पॉइंट है उसमें नोट हो रहे, और हम सब मेरे वार्ड के सब जिम्मेदार आदमी है मेरे साथ में यहाँ पे आ रहे हैं, और हम डीएम साहब यहाँ शरण में आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर। पूरा कस्बा अब इनकी तरफ देख रहा है कि जिला अधिकारी इसमें क्या एक्शन लेंगे, क्या इसमें कार्रवाई करेंगे, क्या जांच करेंगे।